या बसमिल नबील स्टूडेंट्स लेसन नंबर ट्वेंटी टू रिपोर्ट लिखना हम सीख रहे हैं हमने कुछ पहले डिस्कस किया अब हम शॉर्ट रिपोर्ट अभी डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है द शॉर्ट इन फॉर्म और रिपोर्ट इज़ यूजली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम कि जो शॉर्ट रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है उसको हम आमतौर पर किसके फॉर्म में लिखते हैं हमने पढ़ा रिपोर्ट को लेटर के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं और डिफरेंट जो इसके फॉर्मेट हमने डिस्कस किए थे तो जो शॉर्ट रिपोर्ट है उसको वो, वो स्पेसिफिकली कहता है लेटर या मेमोरेंडा के फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है द शॉर्ट रिपोर्ट मे रेंज फ्रॉम शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड टी सिंगल पेज टू अ लॉन्गर प्रेजेंटेशन टेकिंग सेवरल पेजेस एक पेज से लेकर चंद पेज तक होती है शॉर्ट रिपोर्ट ठीक है अगर तीन चार पेजेस की भी होगी वो भी शॉर्ट रिपोर्ट ही कहलाएगी एक पेज की होगी वो भी शॉर्ट रिपोर्ट ही कहलाएगी इट डज़ नॉट कैरी अ कवर टेबल ऑफ कॉन्टेंट और एनी स्पेशल डिस्प्ले टेबल ऑफ कॉन्टेंट कवर ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं आपको पता है क्या होती हैं ठीक है ये सब कुछ शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं होता ना कोई उसका स्पेशल डिस्प्ले होता है इन स्टाइल शॉर्ट रिपोर्ट इज़ पर्सनल इनफॉर्मल एंड रिलैक्स ठीक है पर्सनल होती है इनफॉर्मल होती है और रिलैक्सड होती है यानी कि उस पर ज़्यादा आपको आप रूल्स एंड रेगुलेशन या फॉर्मेलिटीज़ पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती शॉर्ट रिपोर्ट में प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट वैन प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट बी शोर टू फॉलो द फोर राइटिंग कस्टमर्स दैट योर ऑडियंस एस्पेक्ट्स जब भी शॉर्ट रिपोर्ट लिख रहे हो क्या चीज़ फॉलो करें आप के रिपोर्ट राइटिंग कस्टमर्स रिपोर्ट राइटिंग कस्टमर डैट योर ऑडियंस एक्सपेक्ट आपको पता है कि रिपोर्ट में आपके ऑडियंस स्पेसिफाइड होते हैं तो शॉर्ट रिपोर्ट लिखते हुए डेफिनेटली आप अपने जो ऑडियंस हैं आपके जो कस्टमर हैं जिनको आप लिख रहे हैं उनको अपने फॉलो करना है कि आप इस बात परेशो रहे हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं आपकी प्लानिंग को थ्री अपने जो एलिमेंट्स हैं इन्फ्लुएंस लेंथ एंड फॉर्मेट ऑफ योर रिपोर्ट ऑडियंस पर्पज एंड सब्जेक्ट मैटर ये तीन चीज़ें शॉर्ट रिपोर्ट पर असर अंदाज होती हैं उसको इन्फ्लुएंस करती हैं Short report format, you may p per perceive the report in one of the following formats. शॉर्ट रिपोर्ट को आप इन फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं ये जो नीचे हमें दिए गए हैं कौन कौन सा फर्स्टली प्री प्रिंटेड फॉर्मेट लेटर और मेमो फॉर्मेट प्री प्रिंटेड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज़ बेसिकली फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स रिपोर्ट्स ठीक है फिलिंग द ब्लैंक्स जो रिपोर्ट होती हैं उनके लिए ये होता है प्री प्रिंटेड फॉर्मेट इट डील्स विद रूटीन इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफन मेनली नुमेरिकल रूटीन इन्फॉमेशन इस होती है इस रिपोर्ट में जो नुमेरिकल यानी कि डिजिट्स ज़्यादा उसमें होते हैं नंबरिंग ज़्यादा होती है लेटर दिस फॉर्मेट इज यूज़ फॉर रिपोर्ट दैट आर डायरेक्टेड टू आउटसाइड एंड कॉन्टेन फाइव और फीवर पेजेस पांच या पांच से कम इसमें सफ़े होती हैं जो लेटर रिपोर्ट होती है लेटर की फॉर्म में लेटर के फॉर्मेट में शॉर्ट रिपोर्ट होती है उसमें पांच या पांच से कम पेजेस होते हैं और दे फॉलो द नॉर्मल लेटर फॉर्मेट जो जैसा नॉर्मल बिजनेस लेटर का फॉर्मेट होता है जो कि हमने पढ़ा पीछे डिटेल में डिस्कस किया पूरा हमारा एक लेक्चर था बिजनेस लेटर फॉर्मेट पे तो वो उस वो उसमें हम यूज़ करते हैं लेटर फॉर्मेट की जो रिपोर्ट है शॉर्ट रिपोर्ट में ठीक है मेमो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर शॉर्ट इन फॉर्मल रिपोर्ट्स विद एन एनआरगनइजेशन मेमोज हैव फोर हैडिंग्स टू फ्राम ये दो हेडिंग्स हैं मेमो की टू फ्राम वो कह रहे हैं मेमो सबसे कॉमन है आपको पता है मेमो क्या होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन चलता है ये और शॉर्ट रिपोर्ट इनफॉर्मल शॉर्ट रिपोर्ट होती इनफॉर्मल रिपोर्ट ठीक है उसमें जब आप मेमो का फॉर्मेट फॉलो करते हैं या मेमो के फॉर्म में उसको लिखते हैं तो वो कह रहे हैं चार हैडिंग्स उस मेमोज़ में बांध सकते हैं उसकी टू यानी कि जिसको आप लिख रहे हैं फ्रॉम जो लिख रहा है रिपोर्ट जिसकी तरफ से भेजी जा रही है रिपोर्ट डेट यानी कि तारीख क्या और सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर क्या रिपोर्ट का मैन्यू सबक्रिप्ट फॉर अ फॉर्मल अप्रोच मेन्यू स्क्रिप्ट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू पेजेस टू सेवन हंड्रेड पेजेज या आपको पता है ह्यूज फॉर्म में जो बिग एडिशन है ह्यूज एडिशन है उसको हम मेन्यू स्क्रिप्ट करते हैं तो रिपोर्ट्स में वो क्या होता है वो कह रहे फ्यू पेजेस से लेकर अगर फ्यू पेजेस की होगी तो डेफिनेटली हम उसको शॉर्ट रिपोर्ट कहेंगे तो जब सेवन हंड्रेड पेजेस उसके मेन्यू स्क्रिप्ट के अगर होंगे तो फिर वो शॉर्ट रिपोर्ट तो नहीं ना रहेगी तो यानी कि मेन्यू स्क्रिप्ट शॉर्ट रिपोर्ट में भी फॉल कर सकता है अगर वो फ्यू पेजेस का हो ठीक है Establishing a basic structure. Choice of structure involves three decisions. What to say, direct or indirect, topic or logical organization. ऑर्गनाइजेशन आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट में आपने क्या ना क्या है और उसका टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली सब्जेक्ट मैटर मेन आइडिया ये तो हम हमारी फर्स्ट प्रियॉर्टी है ना और सेकेंड पे डायरेक्ट और इन ये approaches आपको याद होगा हमने पीछे डिस्कस की थी एक डायरेक्ट अप्रोच एक इनडायरेक्ट अप्रोच होती है वो भी आपने माइंड में रखनी है Key points to cover. Your report should answer audience key questions. What ideas would you include when deciding the content of your report? The first step is to put yourself in the audience position. आपको जब रिपोर्ट लिख रहे हो सबसे पहले आपने ख़ुद को ऑडियंस कंसीडर करना यानी आपने वो कहते हैं पुट इन द शूज़ ऑफ़ योर ऑडियंस मतलब ये एक मैं ऐसे है तो नहीं ये मैंने इसको कमेंट किया है कि आपने ऑडियंस की जगह पे जाना है यानी कि आप ख़ुद ऑडियंस बने और फिर आप सोचें कि आपकी क्या नीड्स हैं आप क्या कंक्लूड करते हैं या आप क्या चाहते हैं फिर अपनी रिपोर्ट को आप की पॉइंट्स उसको प्रोवाइड करें ठीक है वट अ मेजर क्वेश्चन दैट यू थिंक योर ऑडियंस हैज़ अबाउट द सब्जेक्ट जो मेजर क्वेश्चन कोई बंदा कोई कॉमन पर्सन यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में आपका ऑडियंस पूछ सकता है वो आप क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करें अपनी रिपोर्ट में योर ऑब्जेक्टिव इज टू आंसर ऑल क्वेश्चन क्वेश्चन इन एन ऑर्डर द मेक्स मोर सेंस ठीक है जो क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं आपका आपकी प्रियोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उनको पहले ही उससे आंसर कर दें जब वो रिपोर्ट देख रहे हो तो उनके क्वेश्चन के उनको आंसर मिल जाए

दैन राइटिंग इन फॉर्मल रिपोर्ट यू डू नॉट हैव टू वरी टू मच अबाउट रीडर्स रिएक्शन तो इन फॉर्मल रिपोर्ट इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट में क्योंकि आपका पर्पज़ होता है इफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसको सिर्फ इन्फार्मेशन चाहिए होती है तो आपको ज्यादा रीडर्स के रिएक्शन के बारे में वरी होने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पर्पज़ होता है इंफॉर्मेशन देना ना कि आपका पर्पज़ ही होता है कोई आपकी वो चीज़ आपकी प्रोडक्ट वो बाय करे ना उसको प्रसूव करना ऐसा कोई पर्पज़ नहीं होता इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पर्पज़ होता है इसलिए आपको उसके रिएक्शन के बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है टू हैव क्लैरिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि क्लियर हो आपकी बातें आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रीडर को वो क्लियर हो उसके लिए ऑब्वियस हो ईजी टू अंडरस्टैंड हो सम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय द पर्सन रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है कि कुछ इनफॉर्मेशन रिपोर्ट्स ऐसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कोई रिक्वेस्ट आपने किसी ने आपको कोई रिक्वेस्ट रिपोर्ट लिखी यानी कि उसने रिक्वेस्ट की कि आप फला चीज़ के बारे में अपनी प्रोडक्ट के बारे में मुझे इंफॉमेशन प्रोवाइड करें ठीक है उस कुछ क्वेश्चन किए उसने तो आपकी जो रिपोर्ट है उस क्वेश्चन के मुताबिक या जो इंस्ट्रक्शन उसने अपनी रिपोर्ट रिक्वेस्ट रिपोर्ट में की हुई है उसके रिस्पांस में होनी चाहिए उनके मुताबिक होने चाहिए जो जो उसने पूछा या जो जो उसने इंस्ट्रक्ट किया आप उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर लेंगे इन्फॉमेशनल रिपोर्ट्स टेक मैनी फॉर्म्स द एग्जाम्पल्स दैट फॉलो विल गिव यू एन आइडिया ऑफ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल एंड टून वो क्या है कि इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स के ढेर सारे फॉर्म्स हो सकते हैं और जो आपने फॉलो uh, करना है आइडिया वो आपको टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन और टून देगा यानी यह कि यही ना आपका आइडिया क्या है मेन पर्पज़ क्या है फिर उससे ही आप अपनी टून और अपना ऑर्गनाइजेशन अपना फॉर्मेट अपना स्टाइल वो डिड्यूस करेंगे नेक्स्ट इज इंटायरम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इंटायर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट्स गिव द कस्टमर एन आइडिया ऑफ द वर्क दैट हैज बिन कम्पलीटली टू डेट इंटायरम रिपोर्ट्स क्या करती हैं कि कस्टमर्स को idea देती हैं किसका एक वर्क का जो एक day पर कंप्लीट हो चुका है ठीक है जो एक जो काम complete हो चुका है उसका idea देती हैं आपके कस्टमर्स को कौन बना इंटायरम प्रोग्रेस reports ठीक है द स्टाइल ऑफ सर्च रिपोर्ट्स इज मोर फॉर्मल देन इंटरनल रिपोर्ट्स अब ये बात याद रखनी है इंटरनल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं अब इंटर्म रिपोर्ट्स आप इसको कंसीडर कर रहे हैं ना कि ये कस्टमर्स को आइडिया देती हैं अब जो कस्टमर को आइडिया दे रही है रिपोर्ट वो डेफिनेटली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगी ना कि कस्टमर तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है ना वो तो इंटरनल परपजेज़ के लिए इंटरनल रिपोर्ट्स नहीं है ये एक आउटर रिपोर्ट है आप इसको कह सकते हैं ठीक है इंटर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है तो वो यही कह रहा है कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं ना अंदरूनी मामला की ऑर्गेनाइजेशन की आपकी कंपनी के अंदर की जो रिपोर्ट्स होती हैं उससे ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए ये रिपोर्ट क्योंकि ये एक आउटर रिपोर्ट है बाहर जानी है कस्टमर्स के पास जानी है ठीक है ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए वैन राइटिंग इन टाइम रिपोर्ट्स बी ऑनेस्ट अबाउट द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द एकम्प्लिशमेंट्स ठीक है जब इन टाइम रिपोर्ट्स लिख रही हूँ आप प्रॉब्लम्स के बारे में और अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बी अवेयर हों आगा होने चाहिए डेफिनेटली प्रॉब्लम्स और एकम्प्लिशमेंट्स के बारे में आप खुद ऑनेस्ट होंगे तो तभी आप इंटायरम रिपोर्ट की जो प्रोग्रेस है अपने वर्क की वो आप अपने कस्टमर को बता सकेंगे ना ठीक है प्रॉब्लम्स uh, uh, मतलब सारे मसाइल से आप खुद आगा हो और ऑनेस्ट हो आप प्रॉब्लम्स और अकम्पलिशमेंट होता कामयाबी हैं यानी कि जो आपने अचीवमेंट्स की हैं उसके बारे में जब तो आप ऑनेस्ट होंगे ना अपने कस्टमर को बताने के लिए तो तो ही आपकी जो इंटायरम रिपोर्ट है वो अच्छी होगी इन्फ्लुएंशियल होगी न्यू बिजनेस प्रपोजल टू एन आउटसाइड क्लाइंट प्रपोजल टू एन आउटसाइड क्लाइंट टू गेट प्रोडक्ट्स प्लान और

हेयर इज माई प्रॉब्लम हेयर इज़ द सोलूशन हेयर इज़ वट इट विल कॉस्ट ठीक है सीधी सीधी दादा है कि यह मसला है ये इसका हल है और ये इतनी कॉस्ट लेगा यानी कि इतनी इस पे कीमत लगेगी डिवेलपिंग स्ट्रक्चरल क्लास्ट फोर टूल्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर गिविंग रीडर्स एंड ओवर आ स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड फॉर कीपिंग दम ऑन ट्रैक वन दे रीड अब ये जनरल बात हो रही है या रिपोर्ट से भी आप इसको ले सकते हैं वैसे जनरल कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको रीडर को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए चार पॉइंट्स हैं आपने जो फॉलो करने हैं कोई भी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट का स्पेसिफिकली और जनरी ऑल डॉक्यूमेंट ऑल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चार जो चीज़ें हैं ओपनिंग हैडिंग्स एंड लिस्ट एंड स्मूथ ट्रांजेक्शन एंड द एंड बाई बाई डिस्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओपनिंग देखते हैं अ गुड ओपनिंग ओपनिंगम्पलिश एट लीस्ट थ्री थिंग्स एक गुड ओपनिंग में तीन चीज़ें कौन सी भला होती हैं इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ ऑफ योर रिपोर्ट आप अपने रिपोर्ट का टॉपिक जो है सब्जेक्ट मैटर है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंडिकेट्स वाई द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट आप ये बात उसको बावर करवाते हैं अपने रीडर को कि यह सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और क्यों है ये आपने उससे बताना है गिव्स द रीडर अव ऑफ मेन आइडियाज एंड ऑर्डर इन विच दे विल भी कवर्ड आप उसको एक प्रिव्यू प्रोवाइड करते हैं यानी कि आप क्या एक उसको आप देते हैं ट्रेलर नहीं जैसे होता है मूवी का उसमें बताया जाता है ना कि क्या क्या होना है ऐसे ही आप उस अपने ओपनिंग में उसको एक ट्रेलर देते हैं कि आपने क्या क्या अपनी रिपोर्ट में लिखा है और कैसे कवर होना है सेकेंड पर आ गया हैडिंग जनलिस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प द रीडर फाइंड वे अराउंड द रिपोर्ट क्विकली के रीडर को आप उसकी हेल्प करने के लिए फाइंड दियर वे अराउंड अ रिपोर्ट क्विकली को रिपोर्ट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इन न्यूक्लियर सेक्शन विद हैडिंग फॉर एग्जांपल कि आप उसके लिए रास्ता आसान कर देते हैं जब उसको फैक्ट्स चाहिए डिस्कशन चाहिए फाइंडिंग कॉज लिमिटेशन एडवेंटेजेस एंड कंक्लूजन ये हेडिंग्स में प्रॉपरली लिखा होता है जो चीज़ उसको चाहिए वो डायरेक्टली उस तक अप्रोच कर लेता है ठीक है यूजली अ नंबरिंग सिस्टम इज़ यूज टू एक नंबरिंग सिस्टम यूज़ होता है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री इस तरह का सिस्टम ठीक है द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीज है आप नंबरिंग यूज करें बुलेट्स यूज करें या वैसे लिखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लियर और कंसिस्टेंट रिपोर्ट को आपने बनाना है ठीक है Heidings और लिस्ट भी इसी चीज के लिए यूज होती है okay, सच फ्रेजेज एज टू कंटिन्यू द एनालिस इसका मतलब है अपने तजयों को जारी रखते हुए ये फ्रेज या ये फ्रेज ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी साइड पे एंड एडिशनल कन्सेप्ट यानी कि इसके अलावा मजीद बड़ा या मजीद ये हैं आर एनअर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्लू वो कहता है ये जो फ्रेजेज है ना ये स्ट्रक्चरल क्लू क्लू कहते हैं किसी चीज़ का आपको सुराग मिल जाए जो सुराग होता है ठीक है अच्छा स्ट्रक्चरल क्लू के लिए ये एक अदर टाइप है ये फ्रेजे यूज़ करना अच्छा एडिशनल डिटेल्स के लिए आप ये मोर एवर फर्दर मोर इन एडिशन Besides, on the other hand, ऐसे यूज़ करते हैं। और कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आप दिवस अकॉर्डिंगली दस हैंस ऐसे हैं आप यूज करते हैं ये तो आपको पता ही होगा ये यानी कि ये जो वर्ड जो नीचे हमने पढ़े हैं ये कैजुअल यानी कि रिलेशनशिप आप कायम कर बिल्ड कर रहे हैं आपका जो सेंटेंस है वो बड़ी क्लास बन रहा है या उसके सेंटेंस के पार्ट्स में रिलेशनशिप बिल्ड करना है या जैसे भी तो आप ये वर्ड्स यूज करते हैं जब कैडिशन रिटेल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो फिर आप ये वाले वर्ड यूज करते हैं ये क्लू हैं आपके ठीक है स्ट्रक्चरल क्लू इनको आपने यूज़ करना है अपनी रिपोर्ट में और लास्ट नंबर पर आ गया एंडिंग साइट योर सोर्सेज टू परसूड द रीडर अबाउट जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिलायबिलिटी अब आपने वो सोर्स साइट करने यानी कि आपने जहां जहां से मटेरियल लिया है रिपोर्ट में आपको पता है जैसे न्यूमेरिक्स होते हैं रिकॉर्ड्स होते हैं फैक्ट्स होते हैं अब आपने वो फैक्ट्स गूगल से लिए हैं किसी वेबसाइट से लिए हैं या आपका अपना सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का वो आपने साइट करना है ठीक है लास्ट पर रीडर के लिए लिखना है ताकि उसको ये यकीन हो जाए उसके लिए रिलायबिलिटी हो इंफॉर्मेशन कि वो आप आप उसके लिए क्रेडिबल बने वो आप पे ट्रस्ट कर सके दीज में इंक्लूड इंटरव्यूज आर्टिकल्स कंपनी रिकॉर्ड सर्वेज your own ऑब्जर्वेशन ठीक है वो कहते हैं इन, इन में क्या क्या हो सकता है कंपनी के जो आपकी कंपनी है उसके रिकॉर्ड्स हो सकते हैं सर्वे आपकी जो कंपनी ने किए हैं वो हो सकते हैं आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं आपकी कंपनी के पे जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो हो सकते हैं इंटरव्यू है आपके मैनेजर का हुआ है सी ई का, का इंटरव्यू पब्लिश हुआ है या वट वो हो सकते हैं ये सारी चीज़ें ठीक है प्रूफ रीड जो डॉक्यूमेंट क्योरफुली बिफोर सेंडिंग इट टू द रीडर ये तो हमारे पास एक गोल्डन आप कहें यूनिवर्सल पॉइंट है ना कोई भी डॉक्यूमेंट रीडर को सेंड करने के लिए हमने उसको एडिट करना है प्रूफ रीड करना है ओके ये आपका रिपोर्ट का छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया जो है एंड में हमने चार चीज़ें पढ़ी है ना कि ओपनिंग हेडिंगलिस स्मूथ ट्रांजिशन और डाइंडिंग ये मेन फॉर्मेट है आपकी रिपोर्ट का इसको आपने फॉलो करते हुए अगर आपको रिपोर्ट लिखना वाकई पड़ जाती है 40 मार्क्स के लिए या वैसे ही तो आपने इसको फॉर्मेट कर को फॉलो करना है और जो चीज़ें ऊपर तो हमने पढ़ा यही पढ़ा आई थिंक सो कि रिपोर्ट होती क्या है तो वो आपने डिस्कस कर लिया आप इसको फॉलो करेंगे इनशाला यू विल बी सक्सेसफुल इन आई योर रिपोर्ट ओके टेक केयर ऑफ़ योर अल्लाह हाफिज़